हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं SRTF न्यूमेरिकल्स की ही। बट इसके पहले के सेशंस में आपने जो SRTF के न्यूमेरिकल देखे हैं वो भी नॉन प्रियम्पशन टाइम और एंड प्रियम्पशन टाइप के थे। बट वहाँ पे हमारे पास बर्स्ट टाइम एक सिंगल CPU बर्स्ट टाइम अवेलेबल हुआ करता था, और इस केस में आपके पास बर्स्ट टाइम दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट वन इज़ द CPU बर्स्ट टाइम एंड सेकेंड वन इज़ द इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। इन दो पार्ट में एक सिंगल बर्स्ट टाइम आपका डिवाइड रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है ये, जो कि प्रीएम्प्टिव टाइप की, मतलब हमको हम उसको SRTF भी बोल सकते हैं, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। इन दिस फॉलोइंग प्रॉब्लम प्रोसेस फर्स्ट स्पेंड CPU टाइम फॉलोड बाय इनपुट आउटपुट टाइम एंड फॉलोड बाय CPU टाइम अगेन। कैसे? देखिए कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम, या फिर आप इसको बर्स्ट टाइम भी बोल सकते हैं, ये तीन पार्ट में डिवाइड है। पहले एक सेकंड के लिए प्रोसेस बर्स्ट टाइम के लिए चलेगी या CPU टाइम के लिए चलेगी, दो सेकंड, फिर उसके बाद दो सेकंड के लिए प्रोसेस इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम के लिए चलेगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं या कुछ प्रोसेसेस अवेलेबल हैं जिसमें CPU का कोई रोल नहीं है, बस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का रोल है। और फिर अगेन दो सेकेंड ये टास्क परफॉर्म करने के बाद अगेन प्रोसेस जो है वो किस टाइप का टास्क परफॉर्म करने लगेगी, CPU टाइम या CPU बर्स्ट टाइम टाइप का टास्क परफॉर्म करने लगेगी। बेसिकली हमारे पास दो टाइप की प्रोसेसेस होती है, CPU बाउंडेड एंड इनपुट आउटपुट बाउंडेड। CPU बाउंडेड प्रोसेसेस का मतलब है कि उसको इनपुट आउटपुट टाइप की किसी भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है या अदर प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ CPU पे ही बेस्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाली है। बट अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस की, मतलब हमारे पास CPU के कैलकुलेशंस के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं है, सिर्फ हम जो सारे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं उस प्रोसेस के थ्रू, वो सारे टास्क कैसे हैं, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस है, मतलब इनपुट आउटपुट हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑफ द प्रोसेसेस कैन बी ओवरलैप्ड एज मच एज पॉसिबल। जितने भी इनपुट आउटपुट टास्क होते हैं, देखिए बर्स्ट टाइम तीन पार्ट में डिवाइड है, CPU इनपुट आउटपुट एंड अगेन CPU, तो ये जो इनपुट आउटपुट वाला सेक्शन है ये हमेशा कैसा हो सकता है, ओवरलैप्ड हो सकता है, मतलब हम इसको गैंट चार्ट में किसी दूसरी प्रोसेस के पीछे रन कर सकते हैं। कैसे, वो हम गैंट चार्ट बनाएंगे तब हम देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्रोसेस नंबर गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, और एग्जीक्यूशन टाइम, या फिर आप इसको बर्स्ट टाइम भी बोल सकते हैं। इस बर्स्ट टाइम में ये तीनों ही पार्ट आपको गिवन है। ठीक है, फाइंड आउट करना है हर बार की तरह कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इसका जैंट चार्ट। जैंट चार्ट बनाने के लिए शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम है, वो भी प्रीएम्प्टिव टाइप की, तो बीच में दूसरी प्रोसेस इंटरप्ट कर सकती है, पहली चीज। अब बात करते हैं, हमारे पास P1 प्रोसेस आई, अराइवल टाइम 0 सेकंड का है, तो ऑब्वियस सी बात है यही प्रोसेस सबसे पहले आएगी। एक सेकंड के लिए क्या मिला इसे, CPU मिला। तो देखिए मैंने यहाँ पे गैंट चार्ट में 0 to 1 पे क्या दे दिया, CPU दे दिया। एक सेकंड जैसे ये प्रोसेस चली, तो हमने अराइवल टाइम देखा कि अराइवल टाइम 1 सेकंड पे हमारे पास कौन सी प्रोसेस आ गई है, प्रोसेस नंबर P2। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए चली, 2 सेकंड के लिए चलने वाली है। और हाँ, P1 प्रोसेस जो है वो 1 सेकंड चलने के बाद 2 सेकंड तक किस चीज़ के लिए इंगेज रहेगी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस के लिए या इनपुट आउटपुट हार्डवेयर्स के लिए, तो हम उस इनपुट आउटपुट को हम ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसलिए हमने 1 सेकंड अराइव होने के बाद सीधे किस प्रोसेस पे चले गए, हम प्रोसेस P2 पे। कितने सेकंड चलेगी वो, 2 सेकंड। तो मैंने देखी प्रोसेस P1 जैसे ही 1 सेकंड चलाई, रिमेनिंग बचा मेरे पास कितना, 1 सेकंड। वैसे ही 2 सेकंड पे कौन सी प्रोसेस आ गई, P3 प्रोसेस जैसे ही मेरे को मेमोरी में आई, तो मैंने देखा कि इसका CPU टाइम 3 सेकंड है और इसका रिमेनिंग CPU टाइम 1 सेकंड है P2 प्रोसेस का। तो मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम यूज़ कर रही हूँ, वो भी प्रीएम्प्टिव टाइप की, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम को रन कर सकती हूँ। तो मेरे पास शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम अभी कौन सी है, P2 ही है। देखिए जब P2 रन हो रही थी 2 सेकंड के लिए, तब P1 का इनपुट आउटपुट, ये मैंने एरो से शो करा है, ये रन हो रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो P1 के इनपुट आउटपुट को अलग से टाइम देने की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वापस पहुंचते हैं हम, जैसे ही P1 का इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया 2 सेकंड बाद, तो P1 वापस कहाँ आ गई, हमारे पास मेमोरी में आ गई। तो अब P1 वापस एग्जीक्यूट होना चाहती है कितनी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो P1 को हमने
2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करना चाहा तो यहाँ पे है दो, जैसे ही 1 सेकंड एग्जीक्यूट करा तो 1 सेकंड रिमेनिंग रह गया और ये है 3 सेकंड। तो कौन छोटा, शॉर्टेस्ट जॉब कौन सा है? P1 ही है, तो हमने P1 को कंटिन्यू रखा। फिर हमारे पास आती है P3 प्रोसेस। अब जब देखिए मैं P2 को जैसे ही फिनिश करा था मैंने, तो मेरे को 4 सेकंड के लिए इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूशन करवाना था P2 का। तो ये देखिए 4 सेकंड के तक मैं P2 का एग्जीक्यूशन करवा रही हूँ बैकग्राउंड में। उस बीच में मेरे पास अगर कोई दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका बर्स्ट टाइम बचा है या फिर यूँ कहें कि CPU टाइम बचा है, तो मैं उसे एग्जीक्यूट करवाऊंगी। तो देखिए P1 का 2 सेकंड ये वाला एग्जीक्यूट करवाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा P3 एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो मैंने P3 को 1 सेकंड एग्जीक्यूट करवाया, फिर मेरे को पता चलता है कि अभी भी P2 का इनपुट आउटपुट जो है वो फिनिश नहीं हुआ है। तो मैंने P3 का एक बार और एग्जीक्यूशन करवाया। जैसे मैंने P3 का एक बार और एग्जीक्यूशन करवाया, P2 अब मेमोरी में आ गई है क्योंकि वो 4 सेकंड इनपुट आउटपुट का कंप्लीट कर चुकी है। P2 मेमोरी में आई, उसका बर्स्ट टाइम है 5 सेकंड और इसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है 1 सेकंड। तो शॉर्टेस्ट जॉब कौन सा है? P3 का है, तो मैंने P3 को ही 1 सेकंड और एग्जीक्यूट करवा लिया। इसके बाद बात करते हैं P2 की। P2 5 सेकंड एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे ही P2 5 सेकंड एग्जीक्यूट हो रही है, देखिए बैकग्राउंड में P3 का इनपुट आउटपुट जो कि 6 सेकंड का है, ये हमको रन करवाना है। तो यहाँ पे P3 एंड हुई थी और इसके बाद P3 इनपुट आउटपुट के लिए चली गई और P2 अपना CPU बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर रही है, कौन सा? ये वाला। तो ये 5 सेकंड है और इनपुट आउटपुट 6 सेकंड है, तो 1 सेकंड का देखिए आइडियल टाइम। CPU के पास अब कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं रह गया है। अब जैसे ही 6 सेकंड हुए, P3 के पास वापस क्या आ गया? CPU टाइम आ गया। कितने सेकंड का? 8 सेकंड का। तो ये 8 सेकंड का P3 का CPU टाइम हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर? अब हम अकॉर्डिंगली क्या निकाल लेंगे? कंप्लीशन टाइम जो हमारे गैन चार्ट में अवेलेबल है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, आपने इतने सारे वीडियोस मेरे वॉच कर चुके हैं, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला भी आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आपने वेटिंग टाइम भी फाइंड आउट कर लिया। एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप फाइंड आउट कर लेंगे। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ इस सिनारियो को। पहले हमारे पास सिर्फ CPU टाइम गिवन रहता था, अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे थे तो उन CPU टाइम के थ्रू आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कर लेते थे। बट अब आपका प्रोसेस जो है वो टुकड़ों में टूटा हुआ है, वो अलग अलग टाइप की प्रोसेस करना चाहता है। वो CPU टाइम को भी कैलकुलेट करेगा और वो इनपुट आउटपुट टाइम टाइप की प्रोसेस को भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। तो जैसे ही P1 मेमोरी में आई 0 सेकंड पे, 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुई, इतने में P2 मेमोरी में आ गई और हमारे पास ये प्रोविज़न है कि हम इनपुट आउटपुट टाइम को बैकग्राउंड में परफॉर्म करवा सकते हैं। उन्हें उनके लिए अलग से टाइम अलग से CPU शेड्यूल परफॉर्म करवाना ज़रूरी नहीं है। तो हमने 1 सेकंड के लिए जैसे ही P1 को एग्जीक्यूट करवाया, इतने में मेमोरी में P2 प्रोसेस आ गई है। P2 प्रोसेस को 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करवाया और P1 प्रोसेस उसी के बैकग्राउंड में 2 सेकंड के लिए चल रही है। तो देखिए मैंने P2 को 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करवाया और ये P1 2 सेकंड के लिए ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है। P1 जैसे ही 2 सेकंड के लिए फिनिश हुई और P2 भी फिनिश हो गई है, तो अब हमारे पास किसके पास चांस आ गया है? वापस P1 के पास। क्या एग्जीक्यूट करने का? 2 सेकंड CPU। तो 2 सेकंड का CPU इसको वापस दे दिया गया। जब 2 सेकंड का CPU इसको दिया गया तो इस P2 का इनपुट आउटपुट रन हो रहा था, तो ये तो 2-4 सेकंड है। तो अब हमारे पास कौन सी प्रोसेस बची है? P3 प्रोसेस, जो मेमोरी में आ चुकी थी बट अभी तक एग्जीक्यूशन उसका नहीं हो पाया। तो ये इसका एग्जीक्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया। इसी तरह हमने पूरा कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म कर लिए हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको गेट के एग्जाम के लिए दिख सकते हैं और नेट के एग्जाम के लिए भी, तो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन भी क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप और अपडेट्स ले सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको गेट और नेट की अपडेट्स देती रहूँगी। थैंक यू।